बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे और दुनिया व आखरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनी है। आज मेरा मूड बना है कि अपना जो चेहरा है आप दोस्तों को दिखा दूँ कि क्या सूरत हाल है आजकल। बस बस क्या बताएं, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्यों, सुबह तकरीबन 3-4 दिन से लस्सी पीता हूँ तो उसकी वजह से दिमाग माउफ हो जाता है। इस टाइम आके मेरी तकरीबन बस हो जाती है, तो इस वजह से आराम करते हैं। तो अभी भी आराम के चक्कर में था, लेकिन आज मेरा मूड सुबह से था कि वीडियो लाजमी बनानी है। तो बस मोबाइल उठाने के लिए ऊपर आया था, तो अभी चलते हैं नीचे। मौसम भी थोड़ा सा हबस वाला हो रहा है। ये देखें, ये बादल से हो रहे हैं जिसकी वजह से हबस काफ़ी हो रहा है। गर्मी तो वैसे ही अभी तक जान नहीं छोड़ रही है। अभी सिर्फ सोने का मूड है तो इसीलिए नीचे आके लेटा हूँ, थोड़ा सा आराम करते हैं। नींद बहुत ज़्यादा आती है इस टाइम वो लस्सी पीने की वजह से। दोपहर का वीडियो आगाज़ किया, लेकिन दोपहर तो मैं सो गया था और जब मुझे जागा ही है तो टाइम कम था, इसी वजह से खाना खाया और फौरी क्लास में जाने की है। तो आज मज़े की बात यह है कि मैंने छुट्टी मांगी थी तो छुट्टी मिल चुकी है, कि इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी घर जा रहा हूँ। तकरीबन पहले मैं जाता था 3 हफ्ते के बाद, लेकिन इस बार मैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद घर जा रहा हूँ। तो अभी बाज़ार से होकर आया हूँ। अब्बा जान का जो मोबाइल है उनके लिए यह कवर पिछले दिनों लेके दिया था, वो टूट चुका था। वो बताया भी था कि ऊपर से नहीं उतारना, नीचे से उतारना है, लेकिन उन्होंने ऊपर से उतारा है तो वो टूट गया है। तो अब फिर दोबारा लेके जा रहा हूँ। तो तैयारी मेरी बिल्कुल है, फुल है, बस रात को निकलना है तकरीबन सुबह 3 बजे। सुबह के जो 3 बजे हैं उसी वक्त ही निकलूँगा, मेरा ये टाइम है निकलने का अक्सर, कि पहले मैं इस टाइम निकल जाता था। तो जो पिछले मेरे साल गुजरे हैं वो यही टाइम था कि मैं जो सुबह के 3, 2:30, 4:30, 4 बजे तक निकल जाता हूँ, क्यों गाड़ियों का टाइम ही यही है, वो भी मुझे ज़बानी याद है। तो अभी बस थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और तैयारी जो रहती है, सामान समेटने वाला जो रहता है वो समेटते हैं। आज की एक अफसोसनाक खबर भी यही है कि मामू जी की जो चिड़ियाँ वगैरह थी, जो कबूतर थे, वो भी गायब हो चुके हैं। दिखाता हूँ अभी आप दोस्तों को। ये देखें, ये पिंजरा भी खाली है और इधर भी ये भी खाली हो चुका है। ये देखें, ये भी खाली हो चुका है। पहले एक कबूतर इधर था और एक इधर था, बाकी मौजूद हैं। हुआ कुछ ऐसे कि कल मेहमान आए हुए थे और मैं भी घर में इधर नहीं था, क्यों, अगर मैं इधर हूँ तो मैं ऊपर ही अक्सर टाइम मेरा ऊपर ही गुजरता है और मुझे पता चलता रहता है कौन आता है कौन नहीं आता है। तो कल शाम के वक़्त मैं नीचे ही था तो मेहमान जो आए थे उनके जो बच्चे थे वो कहीं ऊपर आए थे, उन्होंने पिंजरे वगैरह खोल दिए तो जिसकी वजह से वो निकल चुके हैं। तो ये रात मैंने देखे थे और रात मुझे ऐसे लगा जैसे मामू जी ने इनको सेल कर दिया, लेकिन अब नीचे शोर पड़ा हुआ था, नीचे शोर मामू ने डाला हुआ था कि मेरे पिंजरा किसी ने खोल दिया है और कबूतर गायब हुए हैं। तो फिर मुझे पता चला कि बेचे नहीं हैं, सेल नहीं किए हैं, वैसे ही गायब हुए हैं। तो अब तो नहीं मिलेंगे, खैर। ये 10:30 का टाइम है रात का, तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ, तो बस नींद काफ़ी आ रही है तो लेट चुका हूँ। चारपाई वगैरह बिछाई है और ये पंखा चल रहा है हमारा, छोटा सा पंखा है, सिर्फ मेरे लिए काफ़ी है। तो सुबह तकरीबन 3, 3:30 का टाइम है मेरा निकलने का, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे किस टाइम निकलते हैं। तकरीबन 3:30 तक तो लाजमी है और रात का सफ़र मज़े का भी होता है और मैं अक्सर इसी टाइम पे ही निकलता हूँ। तो आज वैसे भी काम कर कर के थके हुए हैं,
क्यों मोबाइल तो मैं लेके नहीं जाता हूँ क्लास में, तो वहाँ उस्ताद जी का काम था, वो करते रहे हैं, काफ़ी थकावट हुई है। तो अभी मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैंने दोपहर भी दिखाया था कि बादल हो रहे हैं, तो अभी कुछ हल्की हल्की सी कनियाँ आ रही हैं, तो शायद रात को उठ के भागना भी पड़े, देखते हैं क्या करती है बारिश हमारे साथ। तो अभी तो मूड है सिर्फ सोने का, तो आराम करते हैं, जब निकलेंगे फिर आप दोस्तों के साथ दोबारा बात होगी। अभी 3:30 हुए हैं, तकरीबन 4:15 का टाइम हो रहा है अभी, तो अभी निकलने की तैयारी है मेरी, मुकम्मल तैयार हो चुका हूँ, सामान मैंने रात ही समेट लिया था, बस अब सिर्फ निकलना है। तो बस अल्लाह खैर करेगा, क्यों रात का टाइम है और निकलना इस टाइम काफ़ी मुश्किल होता है, तो बस अल्लाह खैर करेगा। उजड़ी सी हालत हो रही है, तकरीबन अभी चीजावत नहीं पहुँचे हम, तकरीबन 1.5 घंटा और लगेगा खानेवाल पहुँचने में। सुबह से चला हूँ, उस वक्त से ही नींद का बीमार हो रहा है, सुबह तकरीबन 3 बजे से जाग रहा हूँ, तो अभी नींद भी आ रही है, लेकिन मैं सफ़र में बहुत कम सोता हूँ। आपको अड्डा नहीं होता जहाँ जाकर आगाज करना होता है, बल्कि मतलब तो वो बेमास बदतरी को मिलता है, जब उसको घर से निकलते हैं तो खाली पेट की बात और उन्हें कोई अपनी मंजिल का ताकि होता जिधर ख्याल आया वो कहता है। अभी पहुंचा हूँ मैं, बाईपास पे खड़ा हूँ, तो अभी घर जाने के लिए अब्बा जी इधर ही हैं, अब्बा जी के साथ ही जाएंगे। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए याद हो बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।